भाद्रपद माह शुरू होते ही विशेष लाभ प्रदान करने वाला चंदन षष्ठी का व्रत होगा। भाद्रपद माह में जो जातक संतान सुख प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए चंदन षष्ठी का व्रत विशेष लाभ प्रदान करने वाला है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंदन षष्ठी का व्रत भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की षष्ठमी तिथि को रखने का विधान है। चंदन षष्ठी का व्रत धन धान्य से परिपूर्ण और सभी मनोरथ पूरे करने वाला व्रत होता है। वहीं यह व्रत परिवार की सुख शांति के लिए भी किया जाता है। साल 2024 में चंदन षष्ठी का व्रत 24 अगस्त को किया जाएगा। यह व्रत सभी मनोरथ पूरे करने के लिए, घर में सुख शांति और रुके हुए सभी कार्य पूरे करने के लिए किया जाता है। चंदन षष्ठी व्रत के बारे में और अधिक जानकारी देते हुए हरिद्वार के विद्वान ज्योतिषी पंडित श्रीधर शास्त्री ने लोकल 18 को क्या कुछ कहा है, सुनिए। सनातन धर्म में जैसा कि संपूर्ण मास त्योहारों का क्रम चलता रहता है, तो इसी प्रकार से भाद्रपद कृष्ण पक्ष में चंदन षष्ठी का व्रत आ रहा है। तो इस व्रत को 24 अगस्त को यह व्रत आएगा और इस व्रत को पतिव्रता नारियां महिलाएं इस व्रत को बड़े विधि विधान से करती हैं और यह व्रत धन धान्य की प्राप्ति एवं जिनको संतान का अभाव है, संतान नहीं है, उनको संतान की प्राप्ति भी होती है और जो भी मनोरथ उनके रुके हुए हैं उनका वे भी पूर्ण होते हैं। इसका संबंध जो चंदन षष्ठी है सूर्य और चंद्रमा से है। इन दोनों ग्रहों का की कृपा से ही चंदन षष्ठी का व्रत होता है और जो पतिव्रता महिलाएं रात्रि में चंद्रोदय के बाद अर्थात चंद्रमा को जल अर्घ्य दे करके ही फिर अपना व्रत खोलती हैं और अपने पति के चरण स्पर्श करके परिवार की शुभकामना के लिए और पति अपने पति की दीर्घायु कामना के लिए यह व्रत करती हैं और परमपिता परमेश्वर एवं सभी ग्रहों की कृपा उसके परिवार के ऊपर बनी रहती है जो भी इस व्रत को विधि विधान से करता है।